सर ज्योग्राफी निकालूं या पॉलिटी? पहले तो बेटा हम आ जाते हैं दोनों, पहले पहले हम पॉलिटी पे आ जाते हैं, देन जियोग्राफी पे आएंगे, ठीक है? सर। हाँ, सो पहले तो हमें ये बताना है बेटा, आप हमारा जो टारगेट है ना, आपका टारगेट पूरा किया आपने कि नहीं किया, पहले तो ये बताओ आप। सर आपने मुझे पार्ट वन करने को बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंने कर लिया था। जिस दिन गई थी उसी दिन कंप्लीट कर लिया था। और अभी मतलब मैं बुक्स वहाँ से लेके नहीं आई थी, तो बस कल ही बुक्स मंगवाई है। मंगवाई है आपने? जी सर। ठीक है। क्योंकि मुझे लगा नहीं था इतने दिन लास्ट करेगा, तो मैं बुक्स लेकर ही नहीं आई थी, तो अभी मैंने ये बेटा टाइम लगेगा इसमें ऑफलाइन खुलने में ना, सारा अभी क्लासेस बंद है क्योंकि सीबीआई में चला गया केस, तो कोर्ट में चला गया है इसको डिसीजन। अब पूरे ये नहीं दिल्ली में है, पूरे ऑल इंडिया बंद है, पटना, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, सारी चीजें बंद हैं। ठीक है, हाँ आते हैं पॉलिटी पे, फर्स्ट सेक्शन पे, पार्ट वन पर, है ना? जी सर। सो आपने रेडी कर रखा है, तो पहले हम टारगेट को थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे चीजें जो मैं पूछूंगा थोड़ा सा आपको बतानी है और करनी भी है, ठीक है? जी सर। हाँ, नंबर वन कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हो आप, पढ़ा है आपने? जी सर। चैप्टर वन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें वास्तव में, सो हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है, सेवनटीन सेवनटी थ्री, ठीक है, जी इसमें सर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फैक्ट्स हैं जो यूनिक है इसमें, क्या ऐसी चीजें हैं यहाँ पर? सर सबसे पहली बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, तो इस एक्ट के अंडर फर्स्ट टाइम उनकी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन रोल को रिकॉग्नाइज किया था। और इस मतलब ये बिगनिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस की इंडिया पर, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भी, क्योंकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थी ही। एंड सर बुक है मेरे सामने, एक सेकेंड। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इससे एक कोर्ट की भी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी कैलकटा में ओके, 1974, 1774, सर। हाँ, सेवनटीन सेवेंटी फोर। जी सर। हाँ से, हाँ से, देर आर फोर पर्सन, यहाँ पर फोर पर्सन्स भी थे, है ना? जी सर। हाँ, तो रेगुलेटिंग एक्ट की देखो चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा इस समय, फर्स्ट स्टेप आपको ये बतानी है, ऐसी चीजें देखो कैसे आपको याद रखनी होती, कैसे चीजें हैं कैसे आपको पढ़, देखो फर्स्ट स्टेप वॉज टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, को सबसे पहले रेगुलेट करना और उस पर कंट्रोल करना, जो भी ट्रेड हो रहा है वो, ठीक है? तो ये फर्स्ट टाइम इस पर स्टेप लिया गया था, राइट? जी सर। है ना, एक तो चीज ये याद रखने वाली चीज है। इसके बाद हम चीजों को और कैसे कैसे चीजों को याद रखेंगे हम, तो उन चीजों को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। लाइक कि नंबर वन चीज तो ये होगी, नंबर टू कि एक तो ये ध्यान रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा था। इसमें जो वॉरेन हेस्टिंग आया ना, वॉरेन हेस्टिंग डायरेक्ट नहीं आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया था यहाँ, ठीक है, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ कोलकाता। गवर्नर जनरल और ये उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे एंड कोलकाता के गवर्नर जनरल, राइट? जी सर। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम कंट्रोल हो रहा था। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि डिजिग्नेट हुए ये, और इस चीज को गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है, कई टाइप कई बार आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल तो थे ये, ठीक है, गवर्नर
गवर्नर ऑफ बंगाल। तुम एक नाम और दिया था, वहां पर एक वो फोर्ट बनाया गया था ना, फोर्ट विलियम। जी सर। बेसिकली उसमें ये लोग रहते थे, वहां पर गवर्नर भी इन्हें कहा जाता है। ओके, और इन्हें फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट बने गवर्नर जनरल, एंड देन इसके बाद यहाँ पर एक काउंसिल भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार स्टैब्लिश किया गया गवर्नर जनरल के लिए। आपने पढ़ा है ना? जी सर। द गवर्नर जनरल ऑफ द गवर्नर जनरल, ये क्या हुआ, वॉज इस्टाब्लिश्ड, इस्टाब्लिश्ड हुई इसमें। और जो ये इस्टाब्लिश हुई ना, इसमें भी 4 पर्सन, दे आर फोर पर्सन, इसमें भी 4 पर्सन थे, ठीक है। बट यहाँ पर कोई एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो बन गई बेटा, है ना, बट यहाँ पर देयर वॉज नो सीपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सीपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी सर। इस चीज को अगर नहीं आपके बुक में हो तो लिखते जाना उस चीज को, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सीपरेट काउंसिल नहीं थी ये, सबॉर्डिनेट। और फिर धीरे धीरे यही गवर्नर हमारे मद्रास, बॉम्बे, यहां भी सबॉर्डिनेट करने लगे, है ना। मद्रास भी इसके अंडर में आ गया। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, दैट इज उस कोर्ट का नाम जो था, जो सुप्रीम कोर्ट कह सकता हूँ, या सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, या फिर इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट, वैसे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया था, पढ़ा ना आपने। जी सर, बुक में भी सुप्रीम कोर्ट ही लिखा है। हाँ, लेकिन कई बार इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, अपेक्स कोर्ट, ये लिख लेना पॉइंट, लिख अपेक्स कोर्ट। वैसे वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको शेयर भी कर देंगे हम बाद जी सर। में। अपेक्स कोर्ट इन 1774, दैट इज आल्सो कॉल्ड, सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड अपेक्स कोर्ट, एंड प्रोहिबिटेड। यहाँ पर क्या हुआ, इस कंपनी में जब कोर्ट बन गया, काउंसिल बन गई, बट यहाँ पर प्रोहिबिटेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी, यहाँ पर कंपनी के जो सर्वेंट थे उन्हें आना, और किसी तरीके से यहाँ पर एंट्री नहीं थी, राइट, कोई भी प्रोहिबिटेड था वो, कोई भी सर्वेंट यहाँ नहीं आ सकता था। अब बिकॉज क्यों, क्योंकि सर्वेंट में मैक्सिमम कौन थे, इंडियंस, इंडियंस तो इस वजह से यहाँ पर नहीं आते थे। और साथ ही साथ ये भी था कि प्रोविडेंट सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब फ्रॉम द नेटिव, कहीं से आप, ये भी प्रोविडेंट था कि चीजों को लेकर कि कोई ब्राइब या ट्रेड के लिए कोई प्राइवेट ट्रेड या ऐसा कुछ कोई कर सके, ब्राइब ले सके, तो वो भी नहीं आएगा, वहां केवल अपने लोग करेंगे। फिर वो शासन में ठीक करते थे, नीचे किसी का भाव नहीं था बेसिकली उस ट्रेड में एंट्री करने के लिए, किसी तरीके का, चाहे सर्वेंट कोई, सारी की। और कोर्ट, इसी में हमारा एक बॉडी बनाई गई, दैट इज उसको बोलते हैं क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, पढ़ा है आपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जी सर। इसी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, तो ये अपने रिवेन्यू जो होते थे, अपने रिवेन्यू की रिपोर्ट यहाँ सबमिट होनी चाहिए, इसके लिए बनाया गया था, जितना भी रिवेन्यू कलेक्शन आए वो यहाँ पर सबमिट की जाएगी रिपोर्ट उसकी, ठीक है। जी ये सर। बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स थे एक्ट के। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, जो आपको बताना है, ये समझ आ गया ना। जी सर। पिट्स इंडिया एक्ट, सर दोबारा बोलिए सर। पिट्स इंडिया एक्ट मैंने लिखा है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या बेटा, सर नहीं, अब दिख रहा है मैं सर। लिख रहा हूँ कुछ यहाँ पर। ओके, हाँ सर, दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, व्हाट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर इट हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। गुड थिंग, गुड पॉइंट। एंड सेकंड, एंड सर कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस। ओके, एंड
ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया ना, द कंपनीज टेरिटरी इंडिया वाज, जो ब्रिटिश कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया दैट वर कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया है ना. एंड सर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ओके राइट राइट राइट. पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड कमर्शियल बिजनेस बिटवीन कोड. यहाँ पर कौन कौन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं? पहले कमर्शियल फंक्शन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था राइट. जी सर. एंड इन चीजों को फिर इसके बाद आपका गवर्नर काउंसिल्स जो यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया गया था इस टाइम पर. सर दोबारा बोलिएगा. गवर्नर काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश इन मद्रास और बॉम्बे इज इट राइट. गवर्नर काउंसिल, मुझे सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. आई एम आस्किंग द गवर्नर गवर्नर्स काउंसिल. ये इन लास्ट वेज आई टोल्ड यू गवर्नर्स काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नर जनरल. द सेम थिंग्स इज हियर आल्सो. द गवर्नर गवर्नर्स काउंसिल वर एस्टैब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे. इट इज राइट और रॉन्ग सर? क्योंकि ये तो पहले एस्टैब्लिश हो चुका है तो दोबारा क्यों एस्टैब्लिश होगा? इसमें बेटा एस्टैब्लिश हुआ था बिकॉज पहले ना केवल मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ है. और इसके बाद क्या था ना, मद्रास में एस्टैब्लिश होने के बाद ये मद्रास सॉरी ये कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ था ना कि मद्रास. और इसमें मद्रास और बॉम्बे जो थे वो सबॉर्डिनेट थे है ना, वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था. बट इपिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर ये क्या हुआ है कि ये उसमें यहाँ एस्टैब्लिश किया गया है राइट. तो हम इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे कि गवर्नर्स काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे. इट इज राइट है ना, ये राइट है कि यहाँ पर हुआ था. एक सेकंड सर मैं लिख लेती हूँ. हाँ लिख लो. गवर्नर्स काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे. लिख लिया सर. And next is Charter Act. Heard about Charter Act? You have studied? Yes, sir. बहुत सारे हैं. Okay. So, what is the Charter Act का क्या एक logic आप बताओ उसमें? Every year पे आता है. जी सर. So, what is first Charter Act? 1813. The first Charter Act. Basically, first Charter Act तो start हुआ था 1793 से, right? जी सर. वो ज्यादा वैल्यू नहीं थी उसकी तो इस वजह से क्या है 1793 में. सर यहाँ पे बात की गई है जो आपने पीछे बोला क्या कहते हैं गवर्नर्स काउंसिल एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास. गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था और लॉर्ड कॉर्नवलिस थे और उसके अलावा उनके अलावा जो भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स थे और उनकी प्रेजिडेंसीज थी उनको पावर्स एक्सटेंड हो गई थी. और ये चार्टर एक्ट का 20 ईयर वाला रूल 1793 में आया था कि हर 20 इयर्स पे चार्टर एक्ट आएगा. और फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसका वो बताया था, डिस्टिंग्विश बताया था. और ये बताया था कि जो भी इनकी सैलरीज है और जो भी कंपनी के रेवेन्यूज है ये सब इंडियन रेवेन्यूज में से कटेंगे. ओके गुड. एंड चार्टर एक्ट 1813 सर चार्टर एक्ट 1813 में एक उन्होंने ट्रेड गाइडलाइन मेंशन की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक सेकंड सर नोट्स खोले हैं सर. सर उन्होंने चाइना के साथ टी का ट्रेड ओपन रखा था और 1813 में हम बोल सकते हैं कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ था क्योंकि चार्टर एक्ट ने ही इनेबल किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने के लिए. जो प्लस इंडिया में जो जो इंडिया की एजुकेशन थी गुरुकुल सिस्टम जो भी ट्रेडिशनल वे था उसको रिप्लेस करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वेस्टर्न एजुकेशन लाना इम्पार्ट करना स्टार्ट कर दिया था. लक्ष्मीकांत में
जी सर, सेवेंथ सिक्स एडिशन। एक बार आप ना एनसीईआरटी चेक कर लेना, मे भी हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये मुझे जो लगता है इस टाइम टाइम पे नहीं था। जो मैकाले जब आया 1833 या 1853, उस टाइम पर एजुकेशन शायद आया है। 13 में तो मैकाले आया नहीं था। थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा, आप एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। मैंने कर लिया सर। हाँ, अब यहाँ पर ट्रेड की एक जो मोनोपोली थी ना, द कंपनीज मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड वॉज टर्मिनेटेड, यहाँ से टर्मिनेट हो गया था, बट ट्रेड विद इंडिया वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश, ठीक है, जी सर। सबके लिए था, लेकिन ये हमारे यहाँ से टर्मिनेट भी हो गया था पूरी तरीके से, ये जो मोनोपोली थी। अब चार्टर एक्ट 1833, कौन से चार्टर एक्ट 1833? सर, इसमें हमें एक नया नाम देखने को मिलता है, वो है विलियम बेंटेक, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटेक, और उनको अच्छा, बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना? यस सर। और उनमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हर तरह की पावर्स वेस्टेड थी, बेसिकली अगर हम बोले तो सिविल एंड मिलिट्री पावर्स वेस्टेड थी। यहाँ पर लेजिस्लेचर आप कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव जो थी यहाँ सेपरेट होना शुरू हो गई थी, राइट, जी सर। सेपरेट होना शुरू हो गई, इट मींस। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप फाइनल कह सकते हैं, दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइज इन ब्रिटिश इंडिया, ये सेंट्रलाइज करने लगे ब्रिटिश इंडिया पे, और इसके लिए लेजिस्लेचर फॉर इंडिया के लिए बनाना शुरू कर दिया, लेजिस्लेचर पावर आ गई, बॉम्बे मद्रास प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस पर अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स आना शुरू हो गई इस टाइम पर 33 पे, राइट। मतलब मैंने अभी बुक खोली, इसमें लिखा है कि इट डिप्राइव किया था गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर्स से अंडर रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अंडर द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशन, व्हाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स। ओके ओके ओके। हाँ, इट मींस कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और ये था, इसमें एक्ट करने के लिए इन्होंने एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाया था, अभी सेपरेट नहीं हुआ था बट, है ना, जी सर, सेंट्रल डिप्राइव किया लेजिस्लेटिव था यहाँ पर, हाँ ट्राई किया था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव बना हुआ था, सर, डिप्राइव किया था। ओके, डिप्राइव हुआ था, ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव फॉर इंडिया, यहाँ पर एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव का बिगिनिंग हो चुका था, एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस के लिए यहाँ से प्रोवाइड किया गया था, और इसके बाद ये सेंट्रलाइज शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में, जो पावर थी ना ब्रिटिश पावर, जी सर। ये पूरी तरीके से, क्योंकि प्रोविंसेस में जाने का मतलब कि अब हम उसको अलग अलग जो जहां जहां भी पावर्स हैं उनको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, राइट, जी सर। इसके अलावा सेंट्रलाइज। अलावा सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग पिक्चर थी वो धीरे धीरे खत्म होकर अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट पिक्चर राइट कर राइट, गुड गुड गुड। हाँ, यहाँ पर क्या था, कमर्शियल बॉडी एंड इट्स बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, है ना, जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में पूरी तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। और सर, इसमें बात की थी मतलब इंडियंस की जॉब के लिए, उनके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, यहाँ पे सिर्फ बात की थी, मतलब वो बिल पास नहीं होता, यहाँ पे बस इशू उठाया था कि सिविल सर्विसेज होनी चाहिए और इंडियंस को भी इक्वल चांस मिलना चाहिए। ओके, हाँ ये इसमें बात कही गई थी, राइट, एकदम राइट है। अब सर, मैंने एक पढ़ा था, मतलब इसी में से पढ़ के मैंने घटना चक्र का ही एक क्वेश्चन सॉल्व करी थी, तो उसमें यही था कि मतलब इन विच ईयर इंडियंस वर अलाउड टू सिट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो फिर पहले मैंने चार्टर एक्ट 1833 ही किया था, बट वो एक्चुअली रॉन्ग था, और उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा था कि चार्टर एक्ट 1833 में सिर्फ बात की गई थी, उस हाँ, इशू को उठाया गया था। तो ये हाँ, इसमें सिर्फ डिस्कस हुआ था, अभी हमारे इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था उस पे, यस सर। हाँ अलाउ इसके बाद हुआ है, ठीक है। सर, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो बेटा।
सर मतलब मेरे ऊपर वाले घर में ना, मतलब एक मेरी दोस्त है, शी इज इन सेकेंड ईयर, तो वो आप राज सर को जानते हो? राज मल्होत्रा। जी सर। हाँ, बताओ बेटा क्या बात है। तो सर मतलब मैं उसको थोड़ा बता रही थी कि मैं ऐसे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रही हूँ, तो उसने बताया कि जो राज सर हैं वो कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें से कोई सवाल नहीं आते हैं। पागल है वो। आज भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन 90% क्वेश्चन प्रीलिम्स के इसी से होते हैं बेटा। सर मतलब मैंने प्रीलिम्स का उठाया, मैंने इस ईयर का प्रीलिम्स सॉल्व किया था जो आया था इस साल, तो उसमें से कुछ सवाल तो मतलब बहुत डायरेक्ट थे, जैसे मेरे स्टडी ये बेटा आपको कोई भी बुक कोई भी कहे ना, वो आप मत मानिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है ना आज तक की, पहली बुक ऐसी है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के खास करके यहीं से आते हैं। जी सर। सर मेरे मतलब ना स्टडी टेबल के आगे ना मैंने सारे आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स और मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज लगा रखे हैं, तो चार तो क्वेश्चन मेरे वहीं से सॉल्व हो गए थे इस वो है साल के ना। प्रीलिम्स के, तो यस फिर मुझे लगा नहीं सर कि मतलब सर सही कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछूँ। नहीं, इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सो तुम इस चीज को ये कहने दो उनको ना कि बात नहीं सुननी है। तो बेटा जी होता सर। है ना, मैक्सिमम क्या होता है कोचिंग का, क्या फंडा क्या है कि जब भी कोचिंग वाले, यही थोड़ा सा इशू आता है। जैसे अभी आप कहीं भी कोचिंग में चले जाओ, तो वो बोलते हैं कि हमारी बुक्स लो और हमारी बुक्स से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये बहुत गलत फैक्ट है, हमें उस चीज पे नहीं जाना चाहिए। उस लड़की से भी बोल देना कि अगर क्वालिफाई करना है तो ये जरूर पढ़ना पड़ेगा। इतनी भी बात नहीं माननी चाहिए किसी की कि जिसमें हम अपना करियर ही खत्म कर दें, है ना। जी सर मतलब मैंने भी उसको यही बोला था कि मतलब ओरिजिनल सोर्सेस से पढ़ना मच बेटर होता हाँ, 90 है। परसेंट स्टूडेंट, 90 क्या, मुझे लगता है 100% एक बार तो सारे बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं इसको। और इसका जितना सिलेक्शन होता है, 90% बच्चों का सिलेक्शन इसी के थ्रू होता है। हो सकता है कोई अलग से एक्स्ट्रा आ गया हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं से पढ़ के, वैसे लक्ष्मीकांत देखी ना हो, तो बिना लक्ष्मीकांत के प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकता बच्चा ना। उसे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, उतनी चीजें नहीं मिलेंगी जो चीजें जरूरी है उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम क्यों छोड़ेंगे किसी चीज को, ज्यादा दिमाग हम क्यों लगाएंगे अगर डायरेक्ट वहां से फंस रहा है तो, है ना। जी सर वो फिर राज सर बोल रहे थे ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। नहीं, राज सर का काम, राज सर के यहाँ आप देख लो, कभी भी लड़का 2 से 3 महीने पढ़ता है, इसके बाद छोड़ देता है वहां से क्लासेस। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वहां से क्लासेस छोड़ के आ जाते हैं, है ना। वहां का फंडा यही है। अभी एक ऑनलाइन में है, जब मैंने आपको वो भेजा है, एक शेड्यूल भेजा हुआ था, उसमें एक जी हरमन सर। लड़की है, हरमन है, जी हरमन सर। लड़की वहीं की स्टूडेंट थी और उसने वहां से छोड़ के आई है, अपनी फीस पूरी लॉस करके आ गई वहां से, और मेरे साथ अभी जुड़ी हुई है। वही चंडीगढ़ की ही है वो लड़की, है ना। अच्छा सो वो भी चंडीगढ़ से है, सुखमन प्रीत वो भी चंडीगढ़ से है, तो ये सारे चंडीगढ़ से ही हैं। तो अब देखो इसमें वो लोग क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों आ रहे हैं। रीजन ये है कि वहां पर चीजें नहीं है, वो 2-3 महीने ठीक चलता है, इसके बाद उनका वहां से लैप्स होना शुरू हो जाता है, लैकिंग आनी शुरू हो जाती है, और वो अपनी चीजें बताना चाहते हैं। अपनी चीजों से नहीं होता बेटा, नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है ना। सर, बस ये बात एक बार मेरी मम्मी से कर लेना, मेरी मम्मी नहीं समझ रही है थोड़ा सा। क्या कह रही है, सर वो कह रही है कि मतलब इधर से कर लो उधर, वो वही सर थोड़ा घबरा जाते हैं ना घर वाले, थोड़ा वही हो गया है, तो फिर मैं उनका कोई क्या नहीं, बोलूँ आप सर, बात ऑनलाइन करेंगे। अगर ले ही रही हूँ, आप कहीं क्लासेस मत करो ऑनलाइन, अभी जब तक वहां पर हो, जब तक इशू नहीं है तब तक आप वहां से कर सकते हो। इसके बाद मैं अब सैटरडे संडे चंडीगढ़ आना शुरू कर रहा हूँ, एवरी सैटरडे संडे, है ना। जी सर। हाँ, वहाँ आएंगे क्योंकि वहाँ कुछ मेंटोरशिप बच्चे भी हैं, तो वहां पर भी हम आएंगे और चीजों को लेके शुरू करेंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। जी सर वो तो पर मेरे को वापस तो दिल्ली आना ही है हाँ, सर। आना पड़ेगा क्योंकि अभी तो चलो ऑफ है, तो चूंकि वो गवर्नमेंट का डिसीजन है अभी, तो ऐसे इश्यूज हैं, क्योंकि फिजिकली पढ़ना अलग ही बात होती है ना। वही सर। चलो अब आर्टिकल वो चार्टर 1853 पे आ जाते हैं। जी सर 53। हाँ 53। एक 53 में जो बात कर रहे थे, जो मैं अब बात कर रहा था जनरल काउंसिल की ना, जी सर। जनरल काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर शुरू हुआ था सेपरेट होना, राइट।
जी सर, 1853 1853 में सेपरेट होना शुरू हो गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? देयर आर 6 मेंबर्स। कर पा रहे हो? 6 मेंबर्स, और जिसमें से 4 जो थे, 4 out of 6 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल प्रोविजनल गवर्नर। प्रोविजनल गवर्नर्स प्रोविजनल गवर्नर ये क्या होते थे, यहाँ अपॉइंट किए जाते थे 4 out of 6, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, 4 ऐसे बनाए गए थे। ठीक है, तो ये अगर प्रोविंसेस की बात करें तो यहाँ पर ये है मद्रास, लिखो बुक में, आपके नोट्स में तो ये लिखो। सर मैं लिख लेती हूँ। इसी टाइम पर सभी के लिए जो सिविल सर्विस वाला पॉइंट था ना, जी सर, सर्विस के लिए ओपन हो गया था। सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल। ठीक है जी सर, मैक्यूले कमिटी ने अपॉइंट किया था 1854 में। मैं काले, हाँ तो सर हम अगर ये पूछेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रिलेटेड टू इंडियन ये सिविल सर्विसेज, तो हमें 1853 करना है ना टेक। हाँ 1853 अगर इंडियन के लिए बात करेंगे तो उसमें कमिटी के पहले सिर्फ डिस्कस हुआ था, अलाउ नहीं था, बट यहाँ ओपन हो गया, तो मैंने लिख दिया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल, जो हमारा है, यानी सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी के लिए जो इसमें लोग लेने लगे थे, कंपटीशन हो गया था, इसमें सभी के लिए ओपन हो गया था सिस्टम। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ओपन टू कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी। ओके, फिर उसके लिए सभी के लिए ओपन हो गया, सभी लोग इसमें आ गए। ठीक है जी सर। आर्टिकल कर चार्टर एक्ट 1858, ये चार्टर एक्ट नहीं है बेसिकली, यहाँ से चार्टर एक्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है गवर्नमेंट एक्ट। जी सर, प्रोवाइड इंडिया दैट इट गवर्नर जनरल। इसमें सर डेजिग्नेशन चेंज हो गई थी, गवर्नर जनरल से वाइस रॉय हो गए थे और वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था। राइट, रूल कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया। और सर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका जो रोल था वो एंड हो गया था। सर काउंसिल बनी थी जिसमें कुछ 15 मेंबर्स थे एंड एक सर क्या काउंसिल ऑफ इंडिया नाम है बेटा जी सर, काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसमें इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। मतलब अगर वो कुछ भी एक्शंस करते थे इंडिया में या इंग्लैंड में, तो वो दोनों जगह आंसरेबल होते थे, इंडिया एज वेल एज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। एंड द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पॉइंट है उसमें लिखा है आपके उसमें? नहीं सर, तो लिख लो इसको, द पावर ब्रिटिश क्राउन to be exercised by secretary of state for India. जी सर, जी सर। और इसके बाद ये है कि यहाँ पर अथॉरिटी मिल गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू द वायसराय
पहला एज एजेंट काम करता था यहाँ पर, है ना, क्राउन के और इंडिया के बीच में वायसराय होता था, राइट। किंग्स इसको पढ़ा है एंड गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गए। लॉर्ड कनिंग वाज द फर्स्ट कनिंग लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसराय। एंड इस टाइम पर एक चीज और हुई थी, अबॉलिश किया गया था कुछ चीज, डू नो रिमेम्बर? अबॉलिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में. हाँ, क्या अबॉलिश हुआ था? नहीं आ रहा हो यार, तुम्हें बता दो। बोर्ड ऑफ कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम हट गया था और हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ कैपिटल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. हाँ दोनों हट गए थे, अबॉलिश कर दिया गया था। ये ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो बोर्ड जी ऑफ सर. कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये अबॉलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, राइट। जी सर. अब हम इसमें थोड़ा सा, इसके बाद हम इसमें भी आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बारे में आपने क्या कुछ स्टडी की है? जी सर कि अब जो काउंसिल था उसमें इंडियंस भी पार्ट लेंगे बट एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. और उनमें से कुछ थे बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. इससे अच्छा, कितने मेंबर्स इंडिया के इसमें एंट्री कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में? सर थ्री इंडियंस, थ्री हाँ थ्री इंडियंस। इसमें क्या है, थ्री इंडियंस इंटर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंटर्ड हुए थे फर्स्ट टाइम। जी सर. इससे डिसेंट्रलाइजेशन को एक हेड स्टार्ट मिली थी इंडिया में. और क्या कहते हैं, जो बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स चली गई थी चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अंडर आ गई थी आ वापस. गए थे, और यहाँ पर इस्टाब्लिश किया गया सेंटर एंड प्रोविंसेस के नाम से आ गया ये। जी सर, सेंट्रल प्रोविंसेस. हाँ, इस नाम से इस्टाब्लिश की गई है। और यहाँ पर जो इंडियंस इंटर करते थे, मतलब ये कह सकते हैं प्रोवाइड दैट वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, है ना? ऑफिशियल जी सर, नहीं होते थे, नॉन ऑफिशियल होते थे। नॉन ऑफिशियल होते हाँ, और डिसेंट्रलाइजेशन आ गया, है ना? थे. जी ओके, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जो रिमेम्बर याद हो? सर, जो बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे और पंजाब था, उसके लिए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आए थे, इस्टेब्लिश हुए थे. और उसने वाइस रॉय को एम्पावर किया था टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस काउंसिल. चलते हैं हम इसमें 19 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जी सर. सर, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्रीज हो गए थे ओके। और उनके फंक्शंस भी इंक्रीज इंक्रीज हो गए थे. उनको इस इधर ये पावर थी कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं बट आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हाँ, हैं. राइट राइट। आप इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे, बट एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस एड्रेस करने की बात हुई थी, और डिस्कस द बजट, बट इंडियंस क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। जी सर, वो डिस्कस कर सकते थे बट चेंजेस, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ऑल्टरनेटिव्स, ये सब नहीं वो कर सकते थे. हाँ जी, हाँ जी। और इसमें इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, मैं लिख लेती डायरेक्ट इलेक्शन, रिड्यूस द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, नेशन आना शुरू हो गया था, इसमें इनडायरेक्ट होता था। जी सर. इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था वो बड़ा कर दिया गया इस टाइम पर, उसमें नंबर दिए होंगे आपको, इसमें कुछ बड़ा किया गया था, वो आपको इसमें दिया होगा कितना बड़ा किया गया है, उसमें नंबर्स ऑफ मेंबर्स बढ़ाए गए थे।
सर ये सेंट्रल लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में बढ़ाए थे, और ये सब होता था वाइस रॉय की रिकमेंडेशन पे। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डराइव्ड है या पूरे गवर्नमेंट क्राउन रूल के बाद जितने भी एक्ट्स हैं उसमें से डराइव्ड है? क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन? जी सर। वो 1935 है जो ना हमारा? जी सर। 1935 ज्यादा, सबसे ज्यादा यही गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इंडिया एक्ट, ये सबसे ज्यादा लिया गया। बिकॉज इसलिए लिया गया था क्योंकि यहीं पर हमारा जो 14 जो एक रिकमेंडेशन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इन्होंने क्या किया है कि फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रखी थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जो 14 डिमांड्स थे तो वो जो उस चीज को लेकर यहाँ से तब वो हमें डिमांड्स हमारी फुलफिल होना शुरू हुई है, फिर वहां से तो यहाँ से उठाया गया फर्स्ट टाइम, सबसे ज्यादा चीजें यहाँ से उठाई गई। ठीक है सर। So, इसमें क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? सर इसमें एक तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी और सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली थी उनके साइज इंक्रीज कर दिए गए थे सर, 16 से कर दिए गए थे 60। ये द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 60 फ्रॉम द 16। जी सर। और इधर इंडियंस को पावर मिली थी क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग की, राइट राइट राइट। जी सर। और यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो बहुत, जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंट फंक्शन परफॉर्म किया था एग्जीक्यूटिव असेंबली में, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव असेंबली में, काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर। जी सर। और सर या हम कह सकते हैं जो जिसको महात्मा गांधी अपोज करते थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स की थी, जो उनकी बहुत ही प्राइमरी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको एक्सेप्ट किया था। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना? जी सर। और इससे इनको नाम भी, मतलब इस एक्ट को लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, और जो लॉर्ड मिंटो थे उनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। एंड इस टाइम पे डायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट यहां पे इंट्रोड्यूसिंग हुआ और चीजों को लेकर। एंड देन हम इसमें अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, direct election to legislative council and first attempt at the introducing a representative and the popular elements aana shuru ho gaye. Ji sir. So isme ye hai change the name of the central legislative ka name change kiya gaya yahan par. Uska naam kya rakha gaya jab change kiya gaya legislative central legislative council ko kisme change kiya gaya? Ab aajkal thoda sa facts yaad rakhna bahut zaruri hai, theek hai? इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, राइट? जी सर। लेजिस्लेटिव काउंसिल इस पे कन्वर्ट हो गया। सर आप बुक में कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? मैं बुक से नहीं पढ़ रहा बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा था अपनी बुक से। अच्छा। आपके जो कुछ मैंने बनाया, कुछ लिखा हुआ है अलग से जो मुझे लगता था कि इसमें नहीं है आपके उसमें पार्ट में, तो एनसीईआरटी से अदर बुक से मैंने निकाला हुआ है। तो नहीं, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, सो इसमें इसमें चीज देखनी है आपको, नंबर वन चीज इज, नंबर वन थिंग इज कि इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना? इस टाइम पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंज हो गया है। ये बाकी तो आपने देख ही लिया, बाकी आपको मालूम है जो चीजें नहीं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
सर इसमें सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स आ गए थे जो आज के टाइम पे स्टेट और यूनियन और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स के तौर पे प्रेजेंट है। एंड सर जैसे इधर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स है इधर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बता रखा है। बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन हो गए थे सर इंट्रोड्यूस। और सर जो दोनों असेंबलीज के लोग होते थे मेजॉरिटी लोग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज होते थे। और सर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी वो भी एक्सटेंड हो गई थी। और यहाँ और क्या हुआ था? और सर जो लोगों को मतलब रिकॉग्निशन मिलती थी वो इस बेसिस पे मिलती थी कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है वो कितनी लगान देते हैं वो कितना टैक्स भरते हैं और हाउ वेल एजुकेटेड दे आर। और इस मतलब एक्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट का सबसे अट्रैक्टिव फीचर यही है कि उन्होंने इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। सो बेसिकली हम इसमें कुछ चीज़ों को और ध्यान दे सकते हैं। इसमें एक ये भी है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे हमारे वो कौन कौन से थे? एक तो था मार्केटेड, ऐसे लिख सकते हो डिमार्केटेड, सेपरेटेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है ना, जी सर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ओके एंड यहाँ पर एक स्कीम आ गई ड्यूअल गवर्नेंस की, उसमें दिया होगा ड्यूअल गवर्नेंस यहाँ फिर आ गया था डायरेक्टली है ना। हाँ, डायरेक्टली डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट में किया गया था ना। डायरार्की सिस्टम, अंडर द डायरार्की इट मींस कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व है ना। जी सर रिजर्व सब्जेक्ट्स इट मींस दैट गवर्नर वाज नॉट गवर्नर वाज नॉट रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मतलब ये है यहाँ पर। और एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, आपने जैसे कि आगे देखा कि हमारे कैसे कैसे सेंटर में इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम एक कैमरलिज्म आया, बाई कैमरलिज्म एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज 140 मेंबर्स हो गए यहाँ, और लेजिस्लेटिव असेंबली विद 140 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 60 मेंबर्स है ना। जी सर मेंबर्स देखो, मेंबर असेंबली 140 था और काउंसिल में 60 मेंबर्स थे। और यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन आना शुरू हो गया। सर डायरेक्ट इलेक्शन होने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और थी इसमें कि रिक्वायर्ड थ्री द सिक्स मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स। सो वायसराय अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियंस, कमांडर इन चीफ्स में हो सकते थे कि अदर जो लोग थे वो इंडियंस हो सकते थे, बट एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर नहीं लिखा उसमें तो आप लिख सकते द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, इसमें क्या होता था अदर देन कमांडर ऑफ चीफ वर टू बी इंडियंस, उसमें से तीन ऐसे होते थे जो इंडियंस रहेंगे रहेंगे इस पे, ठीक है। यस सिक्स सर मेंबर वायसराय के, तो उसमें थ्री मेंबर्स आपके इंडियंस के रहेंगे। और इस टाइम पर एक प्रोवाइड किया गया था स्टैब्लिश ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टाइम पे बना था यस पब्लिक सर्विस कमीशन 1935। और सर साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड साइमन कमीशन भी आएगा, इंडिपेंडेंस एक्ट भी है ना। तो ये आपका जो भी चीजें हैं इसमें आपको बताते जाना है, ठीक है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ही अंडर है, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड। हाँ, कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, और इसके बाद आपको आगे जाएंगे के आसपास भी आया था। सर कम्युनल अवार्ड तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनको मिला था भीमराव अंबेडकर को, बट फॉर कम्युनल क्योंकि जो माइनॉरिटीज थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था एंड रिकग्निशन मिल गया था उनकी स्ट्रगल को, बट गांधी जी बहुत अगेंस्ट थे डिवाइड एंड डिविजन के बेसिकली, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या चाहे वो विद इन हिंदू हो, तो फिर वो फिर फास्ट पे चले गए थे गांधी जी, तो इस करके बी आर अम्बेडकर जी को ये अवार्ड वापस करना पड़ा था। और कुछ चीजें ये तो आपकी, हाँ ये ठीक है, आपने इसे पढ़ लिया है। और इसके बाद जो कृषि मिशन भी आपको अभी इसमें देखेंगे आप, कृषि मिशन भी है ना, जी सर। ये बेसिकली एक बार पढ़ लेना, इनमें ज्यादा नहीं है क्योंकि हिस्ट्री का भी पार्ट है ये, तो हिस्ट्री में भी है एक एक बार तो है समझने के लिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और कहाँ किस चीज का बैकग्राउंड दिया गया है, तो ये सारे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें रखा जाता है, बट दे आर दीज आर द आल्सो द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें प्रोवाइडेड एस्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया एस्टैब्लिशमेंट, आप कह सकते हैं इसमें सारा प्रोवाइड कराया गया, और इसमें फेडरेशन चीज़ आ गई, और साथ ही साथ इसमें ये कह सकते हैं कि सर यस, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट्स जिनको यूनिट्स बोलते थे, और इसके अंडर आती थी फेडरल लिस्ट जिसमें होते थे 59 आइटम्स और प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 आइटम्स और कॉन्करेंट लिस्ट 36। ये आज भी है हमारे पास, यहीं से जी मिलता है सर। इनको। ठीक है, हाँ ये आपने नंबर बता दिया, फेडरल लिस्ट 59 एंड प्रोविंसेस 54 एंड कंकरेंट में लिस्ट फॉर बोथ कंसिस्टेड 36 आइटम्स है ना। जी सर। एंड इसमें जो अबॉलिश डीआरके सिस्टम, इसमें इसमें हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, और यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस किया गया उसकी जगह पर, कौन सी चीज, सर ये हम इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी कह सकते हैं, हम इसको प्रोविंशियल, डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते राइट हैं। राइट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया, ऑटोनॉमी, ओके गुड। एंड इसमें जो ये बाय कैमरलिज्म जो आया, ये 6 out of 11 प्रोविंसेस हो गया है ना, इंट्रोड्यूस किया गया। जी सर, और डायार्की जो थी मतलब डबल गवर्नमेंट उसको सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया एज लोकसभा एंड राज्यसभा। राइट 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 राइट, और यहाँ पर एक और चीज भी, काउंसिल ऑफ इंडिया भी अबॉलिश किया गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश किया गया था। हाँ लिख दो, अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, एक सेकेंड सर। और सर जैसे सेंटर पे डबल गवर्नमेंट थी, दो हाउसेस थे, वैसे ही कुछ यूनिट्स में या हम प्रेजिडेंसीज कह सकते हैं या आज के टाइम पे स्टेट्स कह सकते हैं, उनके उसमें वो थी, उनके भी स्टेट में डबल गवर्नमेंट थी, वो कुछ उस टाइम पे स्टेट्स थी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड असम। राइट राइट राइट, हाँ ये तो है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो अभी तक एक्सटेंड हो ही जा रही थी, और इसका एक ही रीजन था क्योंकि इट वाज इंडियंस को वो वीकन करती जा रही थी और ब्रिटिश को वो स्ट्रेंथन करती जा रही थी, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल में बहुत कामयाब हो रहे थे ब्रिटिश, इसीलिए उसको एक्सटेंड ही किया जा रहा था। अब हम इसमें एक बार थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको काफी रेडी है, आपने कर रखा है, बस जो कमी थी वो मैंने बता दिया, बाकी रिवीजन रखना है, रिवीजन कम नहीं करना है। ठीक है, अब जी सर। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें क्या डिक्लेयर हुआ, इसमें इंडिया एक सोवरेन स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट के उसमें डिक्लेयर हो गया था, राइट, जी सर। एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस में, दोनों हमारे आने लगे, सेंट्रल हो या प्रोविंसेस हो, यहाँ वायसराय जो था डिजिग्नेटेड द वायसराय इंडिया एंड प्रोविंसेस गवर्नमेंट सर, कह सकते हैं यहाँ पर आने कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव यहाँ फंक्शन शुरू हो गया, डुअल सिस्टम,
तो ये सारी चीजें आ गई थी, है ना। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हो सकता है कि आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, तो उन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको आप जरूर थोड़ा सा नोट कर लेना, है ना, अगर आपके उसमें गया तो कोई नहीं। नंबर वन, लॉ मेड फॉर रेगुलेशंस एंड दोज मेड आफ्टर आर कॉल्ड एक्ट्स। सर ये दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, ये किसी चार्टर एक्ट में दिया हुआ है सर। मेड आफ्टर देख लेना, अगर लिखा है तो उसके छोड़ देना है, नहीं है तो आप उसको नोट कर लेना, आर कॉल्ड एक्ट्स। सर ये इसलिए चार्टर एक्ट 1833 में दिया हुआ है। एंड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सबसे पहले स्टार्ट वॉरेन हेस्टिंग जो थे, ये अगर कभी पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जी सर। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772, 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जुडिशियल पावर वर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, पहले एक ही साथ था, जुडिशियल पावर इसी में आ जाता था जहां से हमारा कोर्ट बना था, बट जब कॉर्नवालिस आ गया ना इसमें, कॉर्नवालिस जी सर। जनरल, कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल बने थे इंडिया जी के, तो उन्होंने क्या किया कि जुडिशियल पावर सेपरेट कर दिया था, जुडिशियल पावर सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अलग कर दिया गया इसको। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये समझना है हमको कुछ चीजों को लेकर, और कि जैसे कि पावर जो अथॉरिटी थी अनसेक्ट एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं फ्रॉम द पावर अथॉरिटीज ऑफ अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलप्ड इनटू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव एंड द पीपल। इसमें एक चीज, ये बाकी चीजें आपने साथ पढ़ी है, लॉर्ड मेयो जो आया, लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे आया था 1870 पर, ये नोट कर सकते हो, लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया, ये 1870 में आया, इस ये है आपकी बुक में, सर कौन से पेज पे? पेज पे नहीं होगा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ आपने पढ़ा है इस वर्ड को क्या। सर मैंने लॉर्ड मेयो का नाम पहली बार सुना है। अच्छा, तो आप इसे लिख लो, मतलब इसके मतलब उसमें नहीं था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मायोस रेजोल्यूशन, आप लिख लो लॉर्ड मायोस रेजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ लोकल डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जी सर। 1882 में एक और लॉर्ड रिपिन आए, लॉर्ड रिपिन्स रिजोल्यूशन भी आया था, लॉर्ड रिपन्स, इसमें इन्होंने वॉज कह सकते हैं हेल्ड एज अ, वॉज हेल्ड
सुन रहे ना? और जी सर, ह्यूमन राइट्स। ये इसमें कह सकते हैं लॉ डिफरेंस रेजोल्यूशन वाज हेल्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कहा जाता है लॉर्ड रिपन को किया जाता है रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सेल्फ फादर ऑफ लोकल हाँ गवर्नमेंट इन इंडिया इसके लिए बोला जाता है इनको। 1824 में रेलवे बजट वो सेपरेट फ्रॉम जनरल बजट से अलग किया गया था। 1924 में हाँ रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम जनरल बजट। इसमें ये बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन द एक्वाइट कमेटी रिपोर्ट ऑन द रिपोर्ट 1921 में उसे वो अलग किया गया था। ठीक है जी सर। सो ये तो हो गया हमारा जो चीजें हुई कैसे कैसे एक बेसिक चीज था इसका जो हमें पढ़ना था एक बेसिक था इसका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल आपको मालूम है कि आर्टिकल तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। पहले कितने थे पार्ट्स कितने पार्ट कितने 22 हमारे कितने चीजें हैं आर्टिकल्स कैसी हैं इसके डिफाइन करना है आपको ये सब मालूम होगा जी सर। क्या सर ये आर्टिकल्स के बारे मतलब ये सारे आर्टिकल्स नहीं मतलब कितने पार्ट्स हैं कितने शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ब्रीफली आपको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सॉरी शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें जी सर। प्रीएम्बल ऑफ यहाँ से प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करना अभी जैसे आप कर रहे हो कल भी हम एक 7 PM पे रख लेंगे। ठीक है 7 to 6 PM आसपास रख से 6 to 8 PM आपका अलग से मैं एक सेशन और रख लूंगा है ना। ठीक है सर उसमें भी करेंगे थोड़ा सा कवर भी करेंगे चीजों को थोड़ा ज्यादा चीजें कर। प्रीएम्बल आपने पढ़ा है? प्रीएम्बल प्रीएम्बल बहुत जरूरी है जी सर। प्रीएम्बल में आपको क्या चीजें यहाँ पर मिलती हैं क्या चीजें आपको ठीक लगती हैं सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं क्या चीजें आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक बेसिकली देखा जाए तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी है ना स्टेटमेंट रिगार्डिंग सभी की ब्रीफ इंट्रोडक्टरी दिया गया इंट्रोडक्शन दिया गया है एंड इसमें गाइड करता है गाइड पर्पस प्रिंसिपल्स फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी सर। प्रीएम्बल हमें एक आइडिया देता है फॉलो करने के लिए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है। और सर सबसे मेन बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सॉवरन इसका मतलब हमें कोई बाहर की अथॉरिटी मतलब डिक्टेट नहीं कर सकती है क्या करना क्या नहीं करना है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम बात करें दूसरा है कि हमारा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इसमें बताता है हमारे स्टेट का नेचर कैसा है ना जी सर। इंडियन स्टेट स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे यहाँ के उद्देश्य क्या है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनिटी ऑब्जेक्टिव्स जी सर। डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन यस सर 26 नवंबर। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को पढ़ने को मिलती है जैसे कि हमें एक तो मिलता है लाइक जस्टिस सोवरेन
सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सारी चीजें हमारी इसमें, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, हमारी इसमें बताती हैं। सो सबसे पहले इसमें समझना ये है कि हमारे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट जो है वो बेसिकली क्या है, कैसे इसके बारे में बताया गया है, इसके अगर पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। नेचर कैसा इंडियन का, स्टेट का, इस सॉवरेन है ना? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड राइट, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इतनी चीजें हैं हमारी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी। इसकी जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इट मींस ब्रदरहुड, राइट। यस सर। डेट ऑफ एडॉप्शन हमें मालूम है, कब कब कैसे कैसे डेट ली गई हैं, वो आपको मालूम है ठीक से। 26 नवंबर, जिसको लॉ डे भी बोलते हैं। जी सर। और बाकी हमें इसमें प्रिम्बल से कुछ ऐसा खास इसके बारे में मालूम नहीं है। अब चलते हैं हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं। यूनियन, इट्स टेरिटरी, पार्ट वन है ये। यस सर, पार्ट वन में। एंड इट्स टेरिटरीज, कहाँ तक आता है हमारा? सर आर्टिकल 1 to 4। 1 to 4, क्योंकि 5 से सिटीजन चालू हो जाते हैं। यस सर। तो 11 तक रहता है, फिर फंडामेंटल राइट्स आपके 11 और 12 to 35, फिर इसके बाद आपका उधर आ जाता है डीपीएसपी, है ना? इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे, क्या क्या चीजें हैं, क्या नाम बताता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है इसमें, अगर हम बात करें कैसे है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 यही है ना? सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर सेकंड सिटीजनशिप, और फोर्थ तो डीपीएसपी है। नहीं, इसमें अगर हम करें पे, अब पार्ट की नहीं चलते, अब इसमें चलते हैं नेम। आर्टिकल 1 क्या है इसमें, टेरिटरी में देखा जाए, नेम एंड अच्छा आर्टिकल है, पार्ट सेकंड ऑफ द यूनियन, राइट। फॉर्मेशन तो सेकंड है ना सर। अभी इसमें देखो क्या है ना, मैं बताता हूँ क्या क्या चीज आएगा इसमें। इसमें फॉर्मेशन तो नहीं, इसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, फॉर्मेशन 3rd पे है, एस्टैब्लिशमेंट 2 पे है, और इसमें जो है वो नेम की बात है, इसमें नाम देना है। दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट, है ना? इसका ये कि यहाँ पे स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल में भी कहा गया है, बहुत अच्छे से फर्स्ट स्केड्यूल अगर पढ़ोगे तो उसके बारे में दिया। टेरिटरी यहाँ पर क्या है, कंप्राइजेस की जा सकती हैं, साथ में जोड़ा जा सकता है चीजों को, तो उसको एक अलग नाम दिया जा सकता है, ठीक है। और जो हम अदर टेरिटरीज एक्वायर करते हैं उनका भी हम अलग नाम दे सकते हैं, इसमें एक्वायर कर सकते, इस्टाब्लिश नहीं कर रहे ना, फॉर्मेशन कर रहे, ठीक है। एक्वायर हम कर सकते हैं, एक्वायर कैसे, लेके जाएगा पॉन्डिचेरी, एक्वायर है हमारा ये, हमने इसको बनाया नहीं है, ये फ्रांस का था, ठीक है। गोवा भी सर। हाँ, तो हमने इसे एक्वायर किया हुआ है। और आर्टिकल 2 क्या है, एडमिशन करें इसमें, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट पार्लियामेंट इसके लिए रूल बनाती है, ठीक है। ये भी अगर आपके आ जाती है, एस्टैब्लिश तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, किसके थ्रू, पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट रूल के, जो पार्लियामेंट रूल बनाएगी, पार्लियामेंट मे बाय अ लॉ एडमिट यूनियन, एस्टैब्लिश न्यू स्टेट आ सकती है, यूनियन के लिए कुछ कर सकती है, या एस्टैब्लिश कर सकती कोई नया स्टेट,
न्यू स्टेट भी बना सकती है, लेकिन इसके लिए क्या है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिए हैं और इसके हिसाब से फिट बैठेगा। तो आर्टिकल ए के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो, आर्टिकल 2A में सिक्किम को किया गया था, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, यहाँ से इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स यहाँ से सेपरेट किए गए, ये तो इस्टाब्लिश किया गया था सिक्किम को एसोसिएट करके। अब इसमें आते हैं आर्टिकल 33 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ फॉर्मेशन नए नए स्टेट्स बहुत हुए हैं, और न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग, नाम लिख सकते हैं इसमें। पार्लियामेंट इसके लिए भी रूल बनाती है, जैसे न्यू स्टेट सेपरेट किया जाए किसी टेरिटरी से, किसी स्टेट से लेकर अलग बना दिया, जैसे कि तेलंगाना है ना। हाँ, बहुत सारे इसमें स्टेट्स आपके इस चीजों को लेकर आ सकते हैं, इसमें से बना सकते हैं हम। और आर्टिकल 4 में क्या है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में जो लॉ बनते हैं वही आर्टिकल 4 है कुछ ऐसा नहीं है। सो बेसिकली ये हमारी चीजें इसमें हैं जो इसमें बताती हैं कैसे कैसे चीजें मूव होती हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है, जो थोड़ा इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जैसे आर्टिकल 2A की वजह से जो सिक्किम वाज़ द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना जो आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया था, मेड द पार्ट ऑफ द यूनियन बनाया गया, राइट। एग्जाम्पल, और आर्टिकल 3 ओरिजिनली प्रोविजन वाज द अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1955 में किया गया, ऑन 24 दिसंबर 1955। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है कि से कहा जाए, एक पॉइंट पे हम आके करें थोड़ा सा, कि जो टेरिटोरियल वाटर भी इसमें चीजें आती हैं, हम वाटर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई बार हम चीजों को छोड़ देते हैं इन आर्टिकल्स में, पार्ट वन में, कि 1, 2, 4 में क्या वाटर के लिए भी ऐसा है कि नहीं है, कि तेलंगाना हो गया, सिक्किम हो गया, कोई रिवर है तो क्या उसके लिए भी यहाँ पर कुछ है क्या रूल है, रेगुलेशन। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि द टेरिटरी वाटर्स एंड एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन शैल बी बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेट। ये भी हमारा पार्ट बनता है स्टेट का, उसी हिसाब से जिस हिसाब से सेपरेट होती हैं चीजें, ठीक है। जी सर, आगे वहाँ पर ओशियन है, ओशियन का भी वहाँ पर चीजें स्टेट होंगी, इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन भी बनाए जाएंगे उसमें, ठीक है। सीजन भी बनाए जाएंगे अलग अलग टेरिटरीज के हिसाब से, वो अपने स्टेट के हिसाब से उसके बनाए जाते हैं, उनको भी अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिटीजनशिप, कब तक है हमारा ये फंडामेंटल राइट तक या डीपीएसपी तक? सर फर्स्ट पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक। सर ये एक पेज का है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा हुआ, बाकी तो बहुत आसान है सर। लेबन में ये आपने सिटीजनशिप है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। इसमें कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो डेट दी होती है ना, डेट थोड़ा सा याद रखना है, जुलाई सबसे, जुलाई 47, जुलाई 50, ये जनवरी 50, या कब कैसे रूल आया है, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे कोई बाहर से आएगा तो कैसे चीजें उसमें बदलेंगी, ठीक है। हाँ, सिटीजनशिप एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में आता है, राइट। सर पार्ट 2 में आता है, और आर्टिकल 5 to 12 नहीं, 12 के पार्ट 5 में फंडामेंटल कौन आता है, 12 से फंडामेंटल राइट हो जाता है। जी सर, तो आपने कहाँ तक पार्ट कौन कौन से कर रखे हैं आपने? सर मैंने इसका लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 पूरा कर लिया था, उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी कि आपके साथ डिस्कस अब करूंगी फिर। आपने पार्ट 1 को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जी सर, अब हमें पार्ट 2, यानी आपको ये सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो कल आपको कल हम करेंगे इसको, तो आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ तक कर लेना है आपको, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इनके उसमें चलेंगे, तो ये भी साथ में हम चलते जाएंगे। और जो जियोग्राफी का है, वो जियोग्राफी का कल हम जियोग्राफी इसके दोनों, क्योंकि हम थोड़ा डबल टाइम लेंगे, 6 या 4 PM से 4 PM या 5 PM ऐसे कुछ लेंगे, और थोड़ा 2-3 घंटे का टाइम लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है बेटा, तो इस पे करते हैं आज, है सर। ओके। और सर एक क्वेश्चन था, सर इंडिया क्या बांग्लादेश को असाइलम दे रहा है? अभी जो
चल रहा है ठीक अभी इसमें बेटा। अभी हम पूरी तरीके से अभी हम इसे नहीं कह सकते, अभी तो मीटिंग कल हुई है मोदी जी के आवास पर, है ना। जी सर। अब ये मीटिंग का जो वो आएगा ना रिजल्ट, फिर हमें पता चलेगा हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आज आज सुबह सुबह ये खबर थी, उसमें न्यूज में दिखा रहे थे कि जो से हसीना है, शेख हसीना, ये शायद लंदन जाने की तैयारी में है, यहाँ से, इंडिया से। अच्छा, और सर मतलब बांग्लादेश में इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? वो इस कोई तख्ता पलट होता ना, जब कभी आर्मी या कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, जब कभी आर्मी आ जाती है ना अपने उसमें, आर्मी आकर जब अपने पूरे रूल रेगुलेशन चेंज करती, जहां आर्मी हावी होती है वहां, जैसे हमारे यहाँ आर्मी हावी नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट हावी है सब पे। तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि पाकिस्तान में है, वहां तख्तापलट तुरंत हो सकता है, क्योंकि वहां आर्मी सबसे पावरफुल है। सर इसमें बांग्लादेश में भी आर्मी ज्यादा पावरफुल है, तो आर्मी ने क्या किया, कुछ हमारे जैसे कि कुछ जैसे पाकिस्तान है वैसे, पाकिस्तान से ही बन के बांग्लादेश बना था सेपरेट होकर, राइट। ईस्ट तो इसमें क्या होता पाकिस्तान है कि ये जब चीजें आर्मी के हाथ में होती, तो आर्मी को जैसे कोई भी एक दूसरा पर्सन आता है या दूसरा कोई पॉलिटिशियन आता है या पॉलिटिकल पार्टीज आती है, वो उसे इन्फ्लुएंस करती है, और उसे इन्फ्लुएंस में अगर उसे आर्मी को लगता है कि यार हाँ ये चीजें ठीक है, हमें करना चाहिए, तो आर्मी भी उसको अगेंस्ट आ जाती है, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट और गोलीबारी शुरू कर देती है अपने ही गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो इसे सर। तख्ता पलट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये अभी है, और ये मीटिंग के बाद अभी जो रिजल्ट आएगा, अभी क्या करते हैं, फिर इसके बाद ये फाइनल हो पाएगा कि क्या है ये एक्चुअल में, आर्मी क्या करना चाहता है इसको, है ना। और इसमें ओके। क्या है ना कि इसमें जब भी हम अगर डिसीजन लेंगे भी ना उनको रखने की या चीजों करने की, आगे कुछ भी डिसीजन लेंगे, तो भाई यूएन पे हमें सबसे पहले चीजों को सबमिट करना पड़ेगा, यूएन यूएन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर हमने कुछ भी रॉन्ग एक्शन ले लिया, तो हमारे यूएन में जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे, अदर कंट्रीज से रिलेशंस खराब हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये होता है कि यूएन में हम परमानेंट मेंबर भी बनना चाहते हैं ना, अभी हम परमानेंट सर मेंबर हैं नहीं, हम भाग में दौड़ में लगे हुए हैं, रेस में हैं हम, ये हम कभी भी बनाए जा सकते हैं। चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं अभी तक फंस जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा लूप होल्स होता है तो हम उससे पार्ट से बाहर आ जाएंगे। तो वी इंडिया विल टेक एक्शन, राइट, विल टेक राइट एक्शन, बट फर्स्ट मेक राइट डिसीजन, पहले वो सही डिसीजन बनाएगी, फिर इसके बाद एक्शन लेगी। पहले यूएन को भी उसके अपने उसमें रखेगी, यूएन के चीजों को, कि क्या क्या नॉर्म्स हमें रखने जरूरी हैं, जैसे कि लोगों को लेके ना हो नुकसान, और चीजें राइट्स भी देखें, ह्यूमन राइट्स को भी देखना पड़ेगा, एक आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस देखने पड़ेंगे हमें इसके लिए, है ना। ओके तो सर, ये हमें एक दो दिन में पता चलेगा, जैसे ये पूरा कंफर्म हो जाएगा मामला, तो देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। ओके। और सर मतलब जो ये अभी ORN में चल रहा है, उसमें जो सब आप जो टीचर्स की मीटिंग कह रहे थे वो हुई थी, उसमें क्या उसका रिजल्ट क्या निकला अभी सर? वो जैसे गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के, एलजी, LG सक्सेना। हाँ एलजी हैं जो हमारे यहाँ के, उन्होंने नरोला बोला हुआ है सब्सिडी देने के लिए और जगह बनाने के लिए, वहाँ कोचिंग चलाने के लिए सभी को। नरूला क्या सर? नरोला जगह है दिल्ली में, हाँ सर। जो यहाँ से उठकर वहां चली जाए, ये कहने का मतलब, सभी कोचिंग से वहां भेजने के लिए बात कर रहे हैं, और अच्छा सब्सिडी भी दे रहे हैं कि आप वहां पर बिल्डिंग्स में जाओ, वहां की बिल्डिंग्स लो और गवर्नमेंट से परचेज करो और सब्सिडी पे ले लो आप। अच्छा वो कितनी दूर है सर यहाँ से? अब मैं बेटा खुद ही नहीं कभी गया, नाम ही सुना वहां, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इसमें काफी बनी है इनकी, दिल्ली में अच्छा जाने की यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेज बने हैं, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी अभी देखते हैं, 15 अगस्त तक तो फाइनली ये है कि 15 अगस्त के बाद सीबीआई जब अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, देन फिर वो बता पाएंगे कि कैसे क्या चीजें हैं इस पे, है ना। तो सर अगर वो नर्व